अल्लामा साहब, आपको एक बार फिर हम तकलीफ़ देंगे ये सवाल में कि लोगों के साथ, अब जाहिर सी बात है मसाइल हैं लोगों की, आजकल तो आपको पता है कि रोज़गार के बड़े मसाइल हैं, तो ये है कि लोगों को खदशा होता है कि उनकी नौकरी चले जाएगी या वहाँ कोई अंदरूनी मामला चल रहे होते हैं कि भाई कुछ लोगों को कारोबार आजकल बड़े ख़राब हो रहे हैं तो कुछ लोगों को फारिग करना होता है, तो हर बंदे को खदशा होता है यार अच्छी भली नौकरी है मेरी तो इस नौ ये नौकरी चले ना जाए, और फिर दोबारा अच्छी नौकरी मिलना बड़ा मसला होता है, तो बंदा अगर डर हो उसको नौकरी जाने का या ऐसा मामला हो कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई वजीफा हो तो ज़रा अगर है तो बता दें हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर जो है हमारे पास वजीफा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 106 से 107 तक ये पढ़े, और इसको पढ़ना है 33 मरतबा, हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ना है, और पढ़कर दुआ करनी है, इंशाल्लाह उसकी जो है नौकरी महफूज रहेगी। अब दोबारा समाप्त फरमा लें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 106 से 107, और इसको पढ़ना कितनी मरतबा है, 33 यानी 33 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम के हालात पर नज़र की रहमत फरमाए।